चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धुजगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्तो श्रीराधाकान्तनमस्तुते। तप्तकाञ्चनगौराङ्गिराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द प्रियाद्वैतगदाधरशिवसादि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद स्तोत्र सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद स्तोत्र सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग श्रवण करेंगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का उपदेशामृत। किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया है साधु काज की, मतलब साधु क्या करते हैं? तो प्रभुपाद उत्तर देते हैं, साधुर कार्य होचे भगवानेर संस्पर्शे 24 घंटार मध्य 24 घंटा ही खाता। इसलिए साधु का काम क्या है? कहते भगवान के संस्पर्श में 24 घंटा में 24 घंटा रहना, यही साधु का काम है। क्योंकि जो वास्तव रूप भगवान साधु का जो लक्षण बताते हैं, कहते अपि चेत शूद्राचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित ही सह। इसलिए भगवान स्वयं साधु का लक्षण बताते हैं, कहते भजन्ति माम अनन्य भाग, जो अनन्य रूप में मेरा जो भजन करता है। अनन्य रूप में मतलब क्या है? कहते ना अन्ना, मेरे को छोड़ करके और वो कुछ करता नहीं। इसलिए भागवत में भी भगवान कहते हैं, कहते साधु का क्या लक्षण है? मई अनन्य भावे मई मई अनन्य अनन्य भावना भक्ति कुर्वन्ति जे दृढ़ा। भगवान कहते हैं मई अनन्य भावना भक्ति कुर्वन्ति जे दृढ़ा, जो दृढ़ रूप में मेरे को छोड़ करके और किसको भजन नहीं करते। इसलिए मन मना भव मत भक्त भव माम जाजि माम नमस्कुरु। जो वास्तव साधु है वो हर समय अपना मन को मुझे देता है, अपना चित्त में मेरे को बैठाता है, प्रणाम करे मेरे को, भजन करे मेरे को। इसलिए मेरे को छोड़ करके साधु और कुछ नहीं जानता है। इसलिए इस सब के सब साधुओं का लक्षण भगवान खुद बताते हैं। इसलिए कहते 24 घंटा में 24 घंटा जो हर समय भगवान के संस्पर्श में जो रहता है, तभी भगवान के संस्पर्श में कैसे रहेंगे? इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, तब सुख जाहे करीब जतन
हरे पदे अनुराजा। इसलिए जो कुछ साधु करते हैं हम भगवान को गुरु वैष्णव को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, इसलिए प्रभुपाद ने, इसलिए उन्होंने ये गौड़ीय मठ को खोला है। इसलिए प्रभुपाद खुद कहते हैं ये गौड़ीय मठ नहीं, ये राधा रानी की निकुंज ये मंदिर है। मैंने गोलोक वृंदावन से ये निकुंज मंदिर को मैंने गोलोक वृंदावन से इस जगत में मैंने अवतीर्ण कराया है। इसलिए जो कुछ गोलोक वृंदावन में जैसे क्या करते सखी मंजरिया सवेरे उठ करके नहा धो करके तिलक लगा करके भगवान की जैसे आरती उतारते हैं हमारे मंदिर में भी ऐसे ही सब हैं आरती उतारते हैं, ठाकुर के लिए रोसी बनाते हैं, ठाकुर का मंदिर में अर्चन करते हैं, ठाकुर के लिए सुंदर सुंदर फूलों की माला बनाते हैं जहाँ पर भगवान की चर्चा हरि कथा हरि चर्चा होता है। इसलिए जो साधु लोग हर समय जब हम उनको निमित्त बनाकर जो कुछ करेंगे उन्हीं के लिए करेंगे और उसको द्वारा ही भगवान को साथ में हम संस्पर्श में रह सकते हैं। एई रूप लिविंग सोर्स व जीवंत साधु संग्रह ले तार कहते हरि कथा सुन ले भगवान विश्वास निश्चय है वे। तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसे जो साधु है जो 24 घंटा में 24 घंटा भगवान का नाम कीर्तन भजन पूजा पाठ करते हैं, अगर ऐसे साधुओं का अगर संग होता है, अगर ऐसे व्यक्ति से अगर हम भगवान की कथा सुनते हैं फिर क्या होगा, फिर भगवान के प्रति हमारा जो विश्वास है, भगवान के प्रति हमारा विश्वास दृढ़ रूप में भगवान के प्रति विश्वास होगा। क्योंकि जो मेन वस्तु कहते वो संग है, इसलिए कहते ना कृष्ण रस भाविता मती क्रियताम कुत्ता अपि यदि लभ्यते तत्र लौल्य मूल्य मेकलम कुटी सुकृतिर अपि न लभ्यते। तथा अगर ऐसे हमें भक्तों का संग मिल जाए जो 24 घंटा में 24 घंटा भगवत संस्पर्श में रहते हैं, ऐसे साधु जब हम हरि कथा सुनते हैं तब हमारा विश्वास भी भगवान के प्रति दृढ़ रूप में विश्वास तभी होता है, नहीं तो विश्वास नहीं होता है। इसलिए जो अपना जीवन में जो आचरण जो रही तो हो, जिनकी भगवान की भजन में कोई मतलब नहीं, भक्ति से कोई जिनका मतलब नहीं, अगर ऐसे साधु का अगर संग करेंगे फिर क्या होगा, जैसे संग रंग भी धीरे 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 उनका रंग भी हमारे ऊपर ठीक वैसे ही रंग हमारे ऊपर चढ़ता है। इसलिए जब ऐसे अगर साधुओं का संग होगा तो क्या होगा, भगवान के प्रति हमारी दृढ़ विश्वास होगा, बोले सेवा प्रवृत्तियों जागवे, हृदय मध्य भगवान के प्रति सेवा करने का प्रति भी हृदय में जागृत होगा। साधु हवार जन्य साधु संग करते हवे, क्या करना पड़ेगा अगर जीवन में हमें साधु बनना तो फिर संग किससे क्या करना पड़ेगा, हमें साधु का ही संग करना पड़ेगा। साधु संग के द्वारा ही जीवन में कोई साधु बन सकते हैं, क्योंकि चोर को साथ रखेंगे तो चोर बन जाएंगे, गंजड़ी को पास रखा तो गंजड़ी बन जाओगे, जुआरी को साथ में बैठे जुआरी बन जाओगे, अगर साधु के साथ में बैठेंगे तो क्या बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे। इसलिए कहते अगर साधु बनना तो हमें संग किसका करना पड़ेगा, हमें साधु का संग करना पड़ेगा। इसलिए नारद जी व्यास देव को तब अपना आत्मचरित्र को उन्होंने सुनाया, बोले देखो सुनो जीवन में मैंने एक साधु बना तो साधु बना कैसे, कैसे गांव में चातुर्मास में कैसे साधु लोग आते हैं, कैसे मेरी मैया कैसे उनको सेवा करता है, मैं भी उनका संग करता हूँ। संग करने से क्या होता है, कैसे वास्तव रूप में तो सबके सब भजन परायण साधु, भजन परायण साधु थे, भले उनके अंदर में क्या लक्षण दिखाई पड़ता था, शांति अभ्यर्थ काल स्वम विरक्ति मान सुन्नता माया बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। यदि जो नौ लक्षण उनके अंदर में वास्तव रूप से था है, हर समय किसी भी विपत्ति आने पर भी लेकिन कभी उनका मति भगवान से कभी अलग नहीं होता है, कभी समय को कभी बर्बाद नहीं करते थे, जो जिसमें भगवान की संबंध नहीं वो चीज़ से दूर रहते थे, अभ्यर्थक विरक्ति
मान शून्यता, कभी इज्जत मान की कोई इच्छा नहीं करते थे, आशा बंद समुद्र हर समय भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे, हर समय उनके अंदर में उत्कंठा बनी रहती थी। नाम गाने सदा रुचि, हर समय भगवान का नाम कीर्तन भजन में हर समय उसका रुचि, आसक्ति तद गुणाख्याने, भगवान की कथा सुनने में इनकी बड़ी आसक्ति, भगवान के लीला स्थल में निवास करने की बड़ी भावना, इस सब के सब उनके अंदर में दिखाई पड़ता था। और उनका संग करते 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 जैसे पारस पत्थर में जैसे लोहे को टच कराने पर वो सोने बन जाता है, लेकिन साधु लोग क्या करते, सोने नहीं उसको पारस मणि बना देते, पारस पत्थर उसको बना देते। इसलिए कहते जो गुरुदेव है वो किसको शिष्य नहीं बनाते, वो सबके सब वो गुरु बना देते। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं अगर जीवन में किसको साधु बनना तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको साधु संग करना पड़ेगा। इसलिए भगवान कपिल देव भी यही बात कहते, बोले मैया अगर तो मुझे प्राप्त करना तो चाहते हो क्या करो, मेरी भक्तों का संग करो, मेरी भक्तों का तुम संग करो, मेरे भक्तों का संग से ही तुम भगवत प्राप्ति पा मन तुम्हारे भगवान के चरण में लग सकता है। तो भगवान वहाँ पर साधु संग की महिमा भगवान बताए, सतान प्रसंगा मम वीर संवित भवंती हित कर्म न रसायना। कहते भगवान क्यों साधु संघ की बात क्यों बताए, बोले कारण नहीं कितने कि थ्योरिकल होता है कि प्रैक्टिकल होता है, जो सुनते 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 तो ठीक है लेकिन जो प्रैक्टिकल रूप में एक साधु का संग करेंगे उसमें ज़्यादा लाभ होता है, हैं? जैसे सवेरे सवेरे उठते ही जब साधु संघ में रहेंगे, भाई उठो मंगल आरती हो रही है, मंगल आरती में चलो, मंगल आरती में चलो, उसके बाद देखेंगे साधु क्या कर रहे हैं, फिर हरिनाम कर रहे, हम भी बैठ कर हरिनाम करेंगे, कीर्तन कर रहे कीर्तन करेंगे, कथा हो रही है कथा में बैठेंगे, मंदिर परिक्रमा कर रहे मंदिर परिक्रमा करेंगे, हैं? जब हम प्रैक्टिकल रूप में किसी साधु के साथ में रहते हैं क्या तो वो ज़्यादा प्रभाव हमारे ऊपर वो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो प्रैक्टिकल रूप में। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कहते साधु हई बार जन साधु सौ करते है वे, अगर जीवन में किसको साधु संग कर साधु बनना तो उसका क्या करना पड़ेगा, साधु संग उसको करना पड़ेगा, साधु को साथ में रहना पड़ेगा। प्रणत बा शरणागत है साधु संग कर ले समस्त असुविधा निश्चय ही कट जावे। लेकिन साधु संग कैसे करना पड़ेगा, बोले प्रणत बा शरणागत होकर के साधु संग करना पड़ेगा, है? प्रणत मतलब होता है संपूर्ण रूप में उनके चरण में आत्मसमर्पित करते हुए शरणागत होते हुए साधु संग करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं साधुओं का जटा जुटू होता है ना, उसमें भी एक कीड़ा रहता है जू, वो उगता रहता है साधु का जटा में, क्या करता है खून चूसता है, क्या करता है वो खून चूसता है। अगर हम साधुओं के साथ में रहे, लेकिन इसलिए गुरुदेव कविदेव करते कहते थे, गुरुदेव कहते थे अगर गुरु जी को साथ में रहे लेकिन हमारे ध्यान कहाँ पर, बोले उनका पकड़ में, गुरु जी के पास में कितना पैसा है, गुरु जी का कितना प्रॉपर्टी है, हैं? जिले कितना प्रॉपर्टी और कितने पैसा है, लेकिन जिनके कोई भजन साधन से कोई मतलब नहीं, बस गुरुदेव के पास में ये चीज़ों के सपना हड़पना, हड़प करके इसको मालिक बनना है गुरुदेव के पास में। कहते अगर ये बुद्धि रहे फिर तो गुरुदेव भी कल्प वृक्ष है, हैं? ठाकुर बांछा कल्प तरु व्यस्त कृपा सिंधु भय वच पतिता नाम पावने भो वैष्णव, गुरुदेव भी कल्प तरु वैष्णव भी कल्प तरु, हैं? कल्प तरु मतलब क्या, जो मांगो वही इच्छा पूरी करते थे गुरुदेव, हाँ पकेट पैसा में ध्यान तुम्हारी है, प्रॉपर्टी में लो इसको लो और लेकर के रहो, लेकिन गुरुदेव भक्ति नहीं देंगे, वही चीज में ही रम जाओ। इसलिए कभी गुरु जी को किसी ने पूछा, बोले गुरुदेव आपके पास आपको बाद में क्या होगा, हैं? आपको बाद में क्या होगा, गुरुदेव ने कहा बेटा मैं जो संपत्ति दे करके जा रहा हूँ, हैं? मेरे जो संपत्ति भक्ति रूपी संपत्ति दे करके जा रहा हूँ, कोशिश कर इसी संपत्ति में धनी बनने के लिए, ये अगर ये संपत्ति में धनी बनोगे तो
कभी तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत तुम्हारी नहीं आएगी। इसलिए हमें शुद्ध रूप में कृष्ण भजन में हमें ध्यान देना चाहिए। ध्यान देंगे तो फिर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, फिर तो जीवन में आनंद आनंद जीवन में रहेंगे। नहीं तो दुनियादारी में रहेंगे तो बस वो दुनियादारी चीज मिलेगी, उसमें रस बच जाओगे, लेकिन भक्ति और कहीं, भक्ति और कहीं चली जाएगी। इसलिए कहते हमें साधु संग कैसे करनी चाहिए, कहते प्रणत बा शरणागत होकर के हमें साधु संग करना पड़ेगा। हैं, जब ऐसे साधु संग करना पड़ेगा उसमें क्या होगा, समस्त असुविधा निश्चय ही कट जावे। फिर जीवन में है तो कोई असुविधा तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी। हैं, कभी जीवन में कोई असुविधा नहीं आएगी। जैसे श्री अम्बरीश महाराज क्या करते थे, पूरा एकादश इंद्रियों को द्वारा भगवान की सेवा करते, संपूर्ण रूप में ठाकुर जी के चरण में शरणागत, शरणागत होने के नाते भगवान ने क्या किया, सुदर्शन चक्र को दे दिया। बोले सुदर्शन चक्र तुम इनको, तुम ही इनको रक्षा करना, और सुदर्शन चक्र उनको रक्षा करना। जब दुर्वासा ने कृत्या को प्रकट करके उनको मारने के लिए जा, क्या हुआ, सुदर्शन चक्र झट प्रकट हो गया। अब प्रकट होकर उन्होंने उसको मार डाला, और मार करके फिर उन्होंने उल्टा दुर्वासा जी को पीछे उन्होंने उल्टा भागे, और कहाँ उनको खदड़ते खदड़ते ब्रह्म लोग ले गए, फिर शिव लोग तक ले गए, फिर तो उनको वैकुंठ में जा करके उनको भी रक्षा नहीं मिला। फिर तो ये भक्तों को शरण में आकर के उनकी माफ़ी मांगना है, माफ़ी मांगना पड़ा। यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर हम सचमुच से भगवान के चरण में शरणागत है, फिर हम कौन रक्षा करेगा, भगवान की सुदर्शन चक्र हमें रक्षा करेगा। ठाकुर हमें, स्वयं ठाकुर जी हमें रक्षा करने वाले ठाकुर जी है। इसलिए कद समस्त असुविधा निश्चय ही कट जावे, जितनी असुविधा है निश्चित रूप में सारी असुविधा कट जाएगा, क्यों, भगवान उसको रक्षा करते हैं। और सचमुच से वो व्यक्ति भगवान के चरण में शरणागत है, निजर आश्रित बा संगी के निर्भय निश्चित और सुखी कराई साधु का काज। इसलिए कहते साधु का काम क्या है, कहते निजेर आश्रित बा संगी के, हाँ, कहते साधु का जो आश्रय जो किए हुए, उनका जो संग किए हैं, उनको क्या करते हैं, वो निर्भय रखते हैं, निश्चिंत रखते हैं, और सुखी करना ही उनका काम है। इसलिए वास्तव रूप में जो साधु है, क्योंकि वो हर समय भगवत भजन करते हैं, भगवान के चरण में शरणागत है, इसलिए शरणागत होने का नाते उनका जो संग जो करता है वो क्या करता है, साधु संग से वो भी, साधु भी निर्भय रहता है, वो भी निर्भय रहते हैं, साधु भी निश्चय रहता है, वो भी निश्चय रहता है, साधु भी सुखी रहते हैं और ये भी सुखी रहते हैं, दोनों ही दोनों सुखी सुखी रहते हैं। साधु संग जनिष्टि बेटर एक्शन, क्या कहते हैं, बैटरी एक्शन एयर मतलब, बैटरी एक्शन मतलब बैटरी एक्शन, हाँ, बी ए टी टी ई आर वाई, जो चार्जिंग बैटरी होती है ना, हाँ, बैटरी एक्शन एयर मतलब। इसलिए जो साधु संग के द्वारा क्या होता है, जैसे चार्ज देते हैं ना, जैसे चार्ज देते हैं साधु संग करने से, वो चार्ज का काम करता है। जैसे घड़ी होता था पहले ना, उसमें चाबी लगा देते थे, चाबी लगाने पर वो 12 घंटे पर 24 घंटा चलता था, फिर दूसरे दिन फिर उसमें चाबी लगा देते, चार्ज करते थे, फिर उसमें फिर 24 घंटा फिर वो चलता था। इसलिए हमारे भक्ति प्रज्ञान कैसे गोस्वामी महाराज वो कहते थे, इसलिए वो सालों में 3 बार सारे भक्तों को बुलाते, एक बार रथ यात्रा में, रथ यात्रा करी करी कितना दिन हो जाता था, करी करी 9-10 दिन हो जाता था, बस 10 दिन तक खूब हरी कथा होता था, फिर नवद्वीप परिक्रमा में वहाँ पर भी 10 दिन हो जाता था, खूब हरी कथा सुनते थे, उसके बाद में फिर कार्तिक में, कहते सालों में कार्तिक में तो पूरा 1 महीना है, कहते सारे भक्तों को बुला करके हरी कथा हरी कीर्तन, बस जो हरी कथा हरी कीर्तन होता था पूरा का पूरा चार्ज हो जाता था। हैं, जैसे नवद्वीप परिक्रमा में वो चार्ज ऐसे चार्ज कर देते थे, कब तक चलेगा, रथ यात्रा,
रथ यात्रा तक चलता था, फिर रथ यात्रा में सबको बुला कर फिर चार्ज कर देते थे, मतलब हरि कथा सुनाते थे, हरि कथा सुन कार्तिक तक चलता था, फिर कार्तिक में एक महीना ऐसे चार्ज बैटर चार्ज कर देते थे, फिर चलता था नवद्वी परिक्रमा पर। इसलिए कहते हैं ये सालों में ये तीन बार भक्ति प्रज्ञा कैसे गोस्वामी महाराज कहते उनको तीन बार बुला करके साल उनको चार्ज कर देते। इसलिए साधु संघ द्वारा क्या होता है, हैं साधु संघ से एकदम बैटर चार्ज हो जाता है और चार्ज होकर के फिर वो काम करना शुरू कर देता है। इसलिए केवल साधु संग अगर हम हर समय करते रहेंगे, अपनी आप हमारी मन भजन में अपनी आप लगा रहेगा। जगत एन बहिर्मुख लोगों के भगवान नृपति उन्मुख कराई साधु कार्य, यह प्रकृत जीव दया। क्या साधु करते हैं क्या, क्या साधु का काम है जगत का जो बहिर्मुख लोक है कृष्ण विमुख जो लोक को क्या करते हैं भगवान के प्रति उन्मुख करा देते हैं, है? भगवान के प्रति ये उन्मुख करा के कराना ही यही साधु का काम है, यही प्रकृत जीव दया। इसलिए हम कहते हैं जीव के ऊपर दया करो दया करो दया करो, बोले जीव दया कृष्ण नाम वैष्णव है वैष्णव सेवन। इसलिए जीव वास्तव रूप में जीव को दया कैसे करते हैं, बोले जीव दया कृष्ण नाम, कृष्ण नाम दे करके ही वास्तव रूप में जीव के ऊपर दया होता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो माया में जो फंसे हुए जो जीव है अगर इनको किसी तरह से हरि कथा समझा बुझा करके अगर एक जीव को अगर भगवान की सेवा में भक्ति में लगा दिया जाए तो उसको कितने पुण्य मिलेगा, कहते करोड़ों करोड़ हॉस्पिटल कोई खोल दे, करोड़ों करोड़ स्कूल कॉलेज कोई खोल दे, उसमें जो पुण्य मिलेगी उससे करोड़ गुण ज़्यादा पुण्य मिलेगी जब एक व्यक्ति को भगवान के भजन में हम लगा देते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल खोल दिया कोई बीमारी सही हो जाए कुछ दिन बाद में फिर दूसरी बीमारी, लेकिन भव बीमारी जन्म मृत्यु दुख कष्ट का बीमारी तो खत्म होगी नहीं कभी, किसको खिला दिया चार पाँच घंटा बाद में फिर भूख लगने लग जाएगी, किसको कपड़ा दे दिया कुछ दिन बाद में फिर कपड़ा फट जाएगी। इसलिए ये जो दया ये पूर्ण रूप में दया नहीं है, इसको पूर्ण दया नहीं कहते। और एक बात कहते हैं जैसे एक कोई दुखी व्यक्ति खाना नहीं मिल रहा है कपड़ा नहीं है, जैसे हम उसको दया किया है ना, कहते जैसे कपड़ा दे दिया खाना दे दिया, कहते दया नहीं है, बोले क्यों दया नहीं है, बोले वो व्यक्ति इतना दुख कष्ट क्यों वो कर रहा है, कारण है उसका प्रारब्ध पूर्व जन्म में ऐसे उसने क्या कर्म किया कुछ जिसे बस जैसे इस जीवन में वो दुख कष्ट वो कर रहे। लेकिन जो व्यक्ति दान दे रहा है कपड़ा दिया खाना दिया लेकिन भावना क्या है हमें पुण्य मिले, इसको देकर पुण्य मिले, इसका मतलब उसको पास जो थोड़ी थोड़ी बहुत पुण्य था तुमने तो दिखने के लिए तो खिलाया कपड़ा दिया लेकिन जो थोड़े बहुत पुण्य ना तुमने उसको ले लिया ले लिया तो उसको पर दया नहीं हुआ, उसको और नीचे तुमने गड्ढे में डाल दिया, उसको ज़्यादा तुमने गड्ढे में और डाल दिया, उसको पर दया तुमने नहीं किया। इसलिए लेकिन महाप्रभु कहते जीव दया कृष्ण नाम, इसलिए जीव को वास्तव रूप में दया कैसे करो, जब भगवान का नाम को देकर दया करो, जिस वजह से इस संसार में दुख कष्ट वो कर रहा है अगर भगवान के नाम देकर दया करेंगे तो उसको एक जन्म नहीं उसको जन्म जन्मांतर उसको जितने दुख कष्ट चिरकाल के लिए खत्म हो जाएगा और कहाँ चल जाएगा भगवान का धाम में जाएगा। और जत गत्वा न निबंधते तत् धाम परम, जहाँ जाने की जीव कभी संसार में नहीं आएगा। इसलिए जो वास्तव दान है क्या है उनको कृष्ण नाम देकर दया करनी चाहिए, अगर कुछ उनको देना कपड़ा लता खाना पीना देना वैसे उनको खाना पीना नहीं देनी चाहिए, पहले भगवान को भोग लगाओ तुलसी दल से, तुलसी दल दलाकर उसको प्रसाद उसको दो, जिस प्रसाद खाने से क्या होगा उसको संस्कार बनेगी, उसको सुकृति बनेगी और भगवान के प्रति उसको रुचि होगा, फिर भगवान को भजन करेगा। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कहते साधु का काम क्या है, कहते साधु का काम है जो बहिर्मुख व्यक्ति है जो भगवान से जो विमुख जो व्यक्ति है
कहते उनका प्रति इनको उन्मुख करना, उनको भजन में भगवान की भक्ति में उनको उन्मुख करना ही कहते यही वास्तव रूप में साधु का काम है, इसको ही जीव दया कहते हैं। लेकिन साधारण लोगों का क्या भावना है, अरे उसने हॉस्पिटल खोल दिया, उसने स्कूल खोल दिया, वर्ण छत्र दे रहे, कपड़ा दे रहे, ये बड़े साधु हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं ये नहीं, ये साधु का लक्षण नहीं, ये जीव का प्रति इसको दया नहीं कहते हैं। वास्तव रूप में जीव दया वही है, उसको भगवान के भजन में लगाना व भगवान की भक्ति में उसको लगाना, यही वास्तव रूप में दया है। इसलिए साधु और प्रकृष्ट संग फैले मंगल हवे ही हवे। कद अगर सचमुच से जीवन में हम साधु संग करें, संतों का जीवन में संग करें, तो प्रभुपाद कहते हैं जरूर जीव का मंगल होगा ही, जीव का कभी अमंगल हो कोई नहीं सकता है। अगर वास्तव रूप में अगर हम संग करें, वो देखने के लिए हैं, चलो आसपास घूमने से नहीं होगा। साधुओं का संग मतलब होता है हाँ सतांग प्रसंगात मम वीर के संविधो, उनकी प्रकृष्ट रूप में संग करना पड़ेगा, मतलब उनका जो भजन आदर्श को जीवन में ग्रहण करना पड़ेगा, केवल संग में रहने से नहीं होता है। इसलिए उनकी भजन आदर्श को हमें जीवन में जब अपनाएंगे तभी उसको प्रकृष्ट संग कहते हैं। अगर ऐसे संग करेंगे तो जीव का कल्याण होगा, क्योंकि संग करेंगे तो साधु हर समय प्रभु का कीर्तन भजन भगवान का नाम भगवान की भक्ति करते हैं। वास्तव संग करेंगे तो हमारे अंदर में ऊपर में भी और रंग भी धीरे धीरे हमारे ऊपर में चढ़ते रहेगा। हम वास्तव रूप में संग करेंगे तो भजन करेंगे तो वास्तव रूप में हमारी कल्याण होगा। प्रणत है साधु कथा सुनते हवे, इसलिए साधु का कथा कैसे सुनना चाहिए, बोले शरणागत होकर सुनना पड़ेगा है। बगैर शरणागत के कथा सुनने पर वो क्रिया उतना नहीं करेगा, इसलिए शरणागत होकर कथा सुनने पड़ेगा। एवं सही भावे सेवा में जीवन यापन करते हवे तभी प्रकृष्ट साधु संग। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं साधु संग हमें किस रूप में करनी चाहिए है, कहते शरणागत होकर करनी चाहिए और जीवन यापन कैसे करना पड़ेगा, साधु जैसे हमें अपना जीवन यापन को जीविका निर्वाह करना पड़ेगा है। साधु लोग जैसे अपना जीवन को संपूर्ण भक्तिमय संपूर्ण प्रेममय जैसे करके रखें, जब हम जीवन को ऐसे ही करेंगे तब होगा। इसलिए जो कुछ करेंगे किसके लिए करेंगे, ठाकुर जी के लिए। जिएंगे तो किसके लिए जिएंगे, ठाकुर जी के लिए। भोजन करेंगे तो किसके लिए, भगवान के लिए। भक्त लोग खाना नहीं खाते हैं, वो क्या करते हैं, प्रसाद सेवा करते हैं है? काम करेंगे तो किसके लिए, भगवान के लिए। पैसा कमाना है ठाकुर जी के लिए, पैसा कमाएंगे तो ठाकुर को सेवा में लगेगा। इसलिए कहते जो कुछ करेंगे जीवन में किसके लिए करेंगे, भगवान के लिए करेंगे। इसलिए यहाँ पर कहते सही भावी जीवन यापन करते हुए तभी प्रकृष्ट साधु संग, तभी उसको साधु संग कहते हैं। केवल साधु का साथ में रहने पर साधु संग नहीं हुआ। हमारे मतलब बद्ध जीवगण के मायार हाथ होते उधार कराए साधु का कार्य। साधु का काम क्या है, बद्ध जीव को माया से उधार। कहते हमारे मतलब बद्ध जीव लोगों को साधु का काम यही है, जो भगवान को जो भूल करके माया के संसार में आकर के हम जो 14 ब्रह्मांड और 84 लक्ष जो भ्रमण कर रहे हैं, कभी राजा कभी प्रजा कभी सुखी कभी दुखी कभी नरक में कभी हैं, ऐसे जो हम संसार में भटक रहे हैं, कहते ये कैसे ये जीव को माया की हाथ से हैं कैसे चिरकाल के लिए उद्धार करके साधु क्या करते हैं, भगवान के चरण में उसको पहुंचा देता है, अपना जो वास्तव घर में ही हमें वो पहुंचा देते हैं। ये साधु का सही काम है, असली घर में बोलेंगे हमारा तो घर यहीं पर है, ये घर के सारे कागज पत्र पट्टा पाव सब हमारे पास में, सबके सब हमारे पास, घर का हम तो मालिक है, हमारी घर यहीं है। बोले ये हमारी घर नहीं,
हम रिफ्यूज हो करके उस दिन के लिए यहाँ पर हम संसार में आए, और एक दिन ये संसार हमें छोड़ना पड़ेगा, संसार छोड़ना पड़ेगा। इसलिए साधु का वास्तव काम है हमें भगवान के चरण में पहुँचा देते हैं, यही वास्तव साधुओं का काम है। अगर ये काम कोई करता है उसको समझने चाहिए साधु। लेकिन ये कलयुग होने का नाते, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, अरे जो बाबा है ना गया और उन्होंने थोड़ा व्यक्ति उठाया तो ऐसे कर दिया तो बहुत बन गए हैं, और ऐसे करके एक मिठाई दे दिया, और ऐसे करके लाए और एक फल दे दिया, बाबा रे बड़ा चमत्कार था बाबा है। फिर तो वहाँ लाइन लग जाती, वहाँ लाइन लग जाती। लेकिन प्रभुपाद कहते वो साधु नहीं है, वो जादूगर है, हैं? वो जादूगर है, उसको साधु नहीं कहते हैं। साधु हनुमान जी, साधु तुलसीदास है, साधु मीराबाई, साधु हमारे गोस्वामी लोग, ये साधु है, हैं? ये लोग साधु हैं। हनुमान जी क्या करते हैं, दिन भर प्रभु का नाम जप करते हैं, ठाकुर की सेवा करते हैं। तुलसीदास करते थे क्या, दिन भर भगवान की भक्ति, भगवान की भजन करते थे। मीरा करती थी क्या, भगवान की भक्ति भजन करती। जादूगर का काम है लोगों को बहका करके, लोगों को बहका करके ये लोग क्या करते हैं, हैं? उनको पथ से भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए हमारे उड़ीसा में अपने आप को भगवान बोलने वाला था, हैं? सारथी बाबा ऐसा हाथ करेगा ना, हाथ से मधुर निकलेगा, हैं? और साँड से दूध दूध निकलवा करते थे, पाइप फाइप लगा करके उल्टा पुल्टा लोगों को भ्रमित करते थे और बोलते थे क्या, और लोग उसको सुन करके बोले बाबा ये तो भगवान, उसका लकेट पहनना शुरू कर दिया, घर घर में पूजा करना शुरू कर दिया, हैं? पूजा करना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसे व्यक्ति अभी जाकर जेल में बैठे, जेल काटे, और भगवान का नाम लेने से जीव कहाँ, भगवंधन से निकल जाते हैं और जेल में बैठे। इसलिए कहती है साधु का काम नहीं, साधु का काम है भगवान की भक्ति करो, भगवान के भजन में लगाए, और इसको द्वारा ही जीव का परम शांति और परम कल्याण जीविका इसमें ही है, और किसी काम में नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते यही वास्तव रूप में साधु का काम है। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इताई गौर ब्रह्मानंद हरे। वंशाकल कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे।
जय गौर प्रेमानंद जय हरि।